श्री अमरनाथ यात्रा 2022 को लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से बैंकों की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें अमरनाथ यात्री अपना मेडिकल करवाकर इन बैंकों के माध्यम से अपना पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के तहत जालंधर बस्ती अड्डा स्थित G&K बैंक में पंजीकरण करवाने को लेकर शिव भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसी संबंध में जानकारी देते हुए बैंक मैनेजर रवि शर्मा ने बताया कि जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 1000 से अधिक भक्तों द्वारा अपना पंजीकरण करवाया जा चुका है और ये अभी भी जारी है। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस साल बड़ी धूमधाम बाबा जी शोभा यात्रा भी इलावा अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई है। इतने फार्म बैंक वाले ने देने चालू करते हैं। साढ़े सारे मैंबर आए हैं, सतपाल नागपाल जी, पूजा लक्ष्मी पूजा जी, अश्री जी, दीप दीपक जी, बहुत बहुत हलचल वाले धन्यवाद जिन्होंने बहुत सारा। मेरी बाबा बरमानी जी ने मैंने 14वें साल मौका दिता है ते मेरी 14वीं यात्रा है जी। मैं बाड़ा की थानी अमरनाथ यात्रा दर्शन करने जा रहा ते बाबा जी के दर्शन वास्ते जो पंजीकरण हो रहे हैं JK बैंक का तुम कितना सहयोग मिल गया जी? मैं क्या पूरा सहयोग है जी। ऐप बिल्कुल डिसिप्लिन चल रही है, बिल्कुल 5-5 बंदे एंट्री करा के सारे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, पूरा सहयोग दे रहे यात्रियों का। JK बैंक आप पूरा सहयोग कर रहा है सब यात्रियों को। कल से हमने 250 लोगों के फॉर्म्स हमने दे दिए हैं, लोगों को इशू कर दिए हैं। हमारी कोशिश है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबका ही काम जल्दी से जल्दी करें। बस हम लोगों से प्रयास करते हैं कि आप अपने टाइम से आएँ। 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ काम चल रहा है अमरनाथ यात्रियों का। तो आप डेली कितने फॉर्म हो रहे हैं सर? डेली सर कल हमने 190 किए इशू, आज 60 तक हम कर चुके हैं और अभी भी जैसे भी हम आएंगे कोटा हमारे पास 2600 यात्रियों का कोटा हम कर देंगे। क्या ये प्रोसेस कितने दिनों में लगेगा? ये प्रोसेस सर, ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। जैसे जैसे यात्री आएंगे वैसे वैसे हम उनको पास इशू करेंगे।